सो गाइस अब हम निकल रहे हैं पटनी टॉप के लिए। एक दिन का टाइम और था और हम जा रहे हैं पटनी टॉप के लिए। एक डेढ़ घंटे रास्ता है, वहाँ पे 3-4 घंटे रहेंगे, होटल वगैरह नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमने घूमना है, बर्फ़ देखने के लिए। सो हमारी गाड़ी आ चुकी है तो हम निकल रहे हैं। मेरा बैग फंस गया गाइस। गाड़ी आ चुकी है तो निकलो। कहाँ है दोस्तों? चलो हटो। मेरे दोस्त लोग कहाँ? हम ही लोग आए एक्चुअली सर, दोस्त। चलो चलो चलो, अरे गाड़ी 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 आ गई है। हम अपनी गाड़ी के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे वैष्णो माता का भवन है। आज को आ रही है, आपको दिख रहा होगा। सो बाकी आपको हम फोन करते रहेंगे। प्लास्टिक भी शाला जो है यही बंदा, सीरियस बंदा यही अंकल, नोटों पे सुलाता है बंदा। मेरे पापा लेट हो गए तो मेरे दो चाचा भी लेट हो गए। ये गाइस अपनी गाड़ी है, हमारी गाड़ी गाइस। और अंडे भाई क्या? तो गाइस हम कहाँ जा रहे हैं? अब पटनी टॉप। अब हम जा रहे हैं बर्फ पटनी टॉप। वहाँ पे पड़ रखी है बर्फ, कोई फायदा है नहीं ऊपर से नीचे तक, इसलिए मांग रही है बर्फ। अबे इतने। सो गाइस हम जा रहे हैं पटनी टॉप के लिए, लड़की रेडी है हमारे। कट्टा का ट्रिप हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा होटल है, इस होटल में हम रुके थे। होटल गाली गाली मत यार। सूर्य की दुकान से बादाम के तेल के जा। ले रहा हूँ गाँव में। क्या चीज मेरा नहीं था पूरी वीडियो के मामले को चाहिए, एक उसके कारण, एक गाने के कारण, पता है? आप देख रहे हो हम वहाँ जा रहे हैं पटनी टॉप, और एक सामने वाला पार्ट शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो अभी भी हमें 2 या 3 घंटे लगे, 1 घंटे लगेंगे। देखो आप ओके तुझसे दूर मैं। हम जा रहे हैं वहाँ पटनी टॉप, ये नहीं पता कहाँ है लेकिन बस ऐसे आइडिया दे रहा हूँ। वहीं जा रहे हैं बर्फ के इलाके में। गाँव देखो आप लोग, लोकेशन चेक।
ढाबे पे हम जा रहे हैं पटनी टॉप। पहाड़ आपको दिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना पहाड़ों का वो थोड़ा धुंधले है। दिख रहा आपको? नहीं, वो कैमरे में दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो अभी ना वाइड एंगल लेंस यूज कर रहा हूँ। व्यू देखो आप लोग गाइस, दिख रहे उस पहाड़ के पीछे पहाड़ है। हम जा रहे हैं उस पहाड़ के पीछे पहाड़, बर्फ वाले पहाड़ के पीछे जा रहे हैं पटनी टॉप। और ये लोकेशन है, इतनी प्यारी लोकेशन है, क्या पता है आपको। मैं हम जा रहे हैं वो पहाड़, इधर आपको पहाड़ उस साइड जा रहे हैं हम। अभी भी हमें ना 1 से 2 घंटा लगेगा पटनी टॉप जाते जाते, क्योंकि वो टॉप पे पड़ता है पटनी टॉप। लेकिन आप लोग गांव चेक करो एक बार, ऐसे गांव में रहने का मन करता है। देखो देखो देखो, अभी हम रुके हैं यहाँ पे नाश्ता पानी करने के लिए। एकदम शांति 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 शांति। अभी हमें टाइम तो लगेगा जब तक हम थोड़ा फ्रेश होने के लिए आए खाना पीना खाने, फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे, फिर आपको बर्फ़ दिखाएंगे हम आपको। अगर वैष्णो देवी आ रहे हैं ना तो आप पटनी टॉप भी आओ, शिवकोड़ी भी जाओ, ये दो जगह तो जाओ। ये दोनों जगह परफेक्ट है घूमने लायक। बाकी खाना पीना खा के आपको बाकी फ़ोन करता हूँ। तो बाय। तो छडू ये हमारा वाओ लोकेशन ब्रो, लोकेशन चेक करो। चेक करो, बर्फ 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 गाइस बर्फ। 17 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर रह गया, 1 घंटा और लगेगा। मैंने हमारे भी सिंगर भी है था गाइस, दिल्ली के सिंगर है, दिल्ली के। करो गाइस गांव, ओह वैली, सुंदर वैली।
जाएगा। बस मात्र 4 से 5 किलोमीटर रह गया है, तब भी उसके लिए हमें लगे 25-20 मिनट पहुंचने वाला है। 2 किलोमीटर का रोड दिख रहा है, 5 किलोमीटर का रोड है। तो क्या हो गया, रुक जा बेटा, 1 मिनट होने दे, पहले बताता हूँ फिर बात करूंगा तेरे से। कौन है तू? सो गाइस पहुंच चुके हम, थोड़ा ऊपर ऊपर जाएंगे, ये आपको बर्फ नहीं दिख रही होगी, बर्फ है। अभी हम अपना शूज़ वगैरह लेंगे, ये लेना जरूरी है क्योंकि ना ऊपर बर्फ़ है हमारे यहाँ तक। तो आप लोग व्यू चेक करो एक बार, अभी हमें और ऊपर जाना है, और ऊपर व्यू देखो आप लोग गाइस, व्यू उस पहाड़ पे जाना है, मैं उस पहाड़ पे। तो गाइस ले सकते हो आप बूट्स वगैरह, 200 रुपये किलो बूट्स में टाइम लगेगा, तो नीचे एक बार आके देख लेते बात कर लो। पत्नी टॉप व्यू चेक करो गाइस, व्यू अभी अभी और ऊपर जाना है, और ऊपर व्यू देख रहे हो आप गाइस, इसी व्यू को देखने के लिए तो मैं तड़प रहा था। गाड़ी वगैरह आ रही है, उस सामने जाना है, मेरे को सामने। तो अभी हम बूट्स वगैरह ले रहे हैं और जितना मात्र 100 या 50 भी कम बोल रहा हूँ मैं, 100 रुपये मिनिमम, 100 रुपये। ये देखो आप लोकेशन चेक करो एक बार, अभी हमें और ऊपर जाना है। बर्फ है यहाँ पे, बर्फ थी 3-4 दिन पहले क्योंकि पिघल चुकी है ऑलरेडी। आराम से कुछ भी उठा लो, 100 रुपये। सबने गुदड़ी उठा ली, अपनी अपनी गुदड़ी। ये गाइस चेक करो, आपको कपड़े लेने पड़ेंगे यहाँ पे। भाई आपका हो गया, नहीं हुआ? ठीक है। पहुंच चुके हैं पटनी टॉप, यार ये तो गीला हो रहा है, यार ये तो पहले से गीला हो गया मेरा, आग चल रही है इसमें, चला ले यार, जूता तो गीला हो रहा है, तेरा गीला हुआ यार? जूता मेरे को मिला है, नहीं फटा जूता यार, पानी जा रहा है इसके अंदर, आग जला ले इसमें, डर लगे मैं गीला यार जूता, अरे बोलूंगा तो भाई को। अरे यार गाड़ी आ रही है, सीन ये हो चुका है गाइस, जो जूता मैंने लिया है ना वो जूता ना ये थोड़ा सा फटा हुआ है, उसके अंदर पानी की लीकेज है और पानी के कारण मेरा जूता हो गया गीला। ठंड लग रही है यार बहुत ज़्यादा, ओए लड़को हमारे, वाओ वाओ। और उदय कैसा लगा आपको? सीन अच्छा है ना, अभी कहाँ जाएंगे हम? पटनी टॉप हिल स्टेशन पे तो है, भूख लो, ठंड हो रही है, लग रही भाई ठंड, जला लेना उसमें, क्या सारे भाग गए जलाना, हाँ कोई रुका नहीं, हाँ लाइटर से कुछ नहीं होगा सुक्के को, हर जगह ब्रेक नहीं लगते गाड़ियों के, साइड से चलो गाड़ी फिसलेगी। गाइस स्नो फॉल भी हो रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी तो हम पटनी टॉप आए, अभी हमें जाना है एक नंगा टॉप भी है, नंगा टॉप कहते हैं शायद, सो वहाँ पे बर्फ ना इतनी है, इतनी अभी तो हम चल रहे हैं अभी तो पहाड़ के ऊपर देखो। हाँ ये जगह भी बहुत घूमने लायक अच्छी जगह है, अगर आप वैष्णो देवी आ रहे हो ना, वैष्णो देवी आ रहे हो तो आप एक बार यहाँ पे ट्राई करना आने का,
लग रही ठंड बहुत ज़्यादा। और मेरा ना ऑलरेडी ना आईफोन भर चुका है, 100 GB हो चुका है और शायद इसमें 10 से 15 GB स्पेस पड़ा है, तो जितना कवरअप हो सकता है तो मैं कवरअप करूँगा। बाकी अब देखो ये हमारे कुछ ये 4 नंबर के पंटर लोग है। वाओ, जन्नत तो कह सकते हैं इसको, क्योंकि अभी हम और ऊपर जाएंगे। कहाँ से जा रहे हो भाई, कहाँ से? वो भाई कहीं लेके जा रहा है, हमारा गाइड है क्या वो? सारे बंदा ही भाई, अगर आप आ रहे हो ना यहाँ पे तो आपको ना 70 रुपये या 100 रुपये में आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं बहुत सी चीजें। यार मैं ऊपर कैसे आऊँ? नितिन भाई इधर आओ। हो, अरे पैर फिसल रहा है। आराम से, आराम से। अगर पैर फिसला ना सारे नीचे, पैर दबा दबा के। हाँ यही करना पड़ेगा। मजा आ रहा भाई। अगर ऐसे अकेले जाओगे तो तो ये इसकी कितने रुपए की मतलब राइड होती है? जैसे 50 रुपए। वो कहाँ तक? एंड तक जाएंगे वहां से। हाँ हाँ, ओके ठीक है ठीक है, बाकी हम बताते हैं लड़के लेके। यहाँ पर आपको एक्टिविटीज वगैरह मिल जाएगी 50-50 रुपए में। अबे धूप में आ जाओ। ले पानी भी। गाली गलौज ब्रो, मैं जाऊं। वो हाथ सुन लो गए नहीं निकल, ठंड हो गया जान। चलो तू पैंट गली हो रही है। चलो आप बड़े थ्री ओए थ्री कोई कर ओए वीडियो। तो चलो बर्फ ले, सिल्ली मारोगे भाई तुम? सिल्लियां यार, फोटो क्यों खिंचवा रहे तुम लोग? अभी तो और ऊपर जाना है यार, अभी तो और ऊपर जाना है। गया भाई, अच्छा कोई नहीं है, बस ब्लॉग में ये नॉर्मल ब्लॉग है हमारा। खेलो खेलो, सिल्ली लगी बेटा नवीन मेरे बहुत तेज। बस सिल्ली कंजरो
गाने में डाल ले उसको। रुक जा अब मैं आ रहा हूँ, चल अब मैं आ रहा हूँ। साइड। अब आ गए हैं मिनी स्विट्जरलैंड में, मिनी स्विट्जरलैंड भी कह सकते हैं। अब यहाँ डांस वगैरह होगा, हुक्का चल रहा है हमारा। नहीं भैया स्लाइडिंग हो चुकी है ऑलरेडी हमारी, हमारा डांस वगैरह होगा, नाचे गाएंगे। चड्डी फुल सेट है, चड्डी भाई वीडियो पूरी डलेगी, तू मत बोलिए मेरी डाल दी। ओ ये डल जाएगी उक्के की भी, फिर मत बोलना भाई घर वाले पर घर अच्छे देख रहे हैं। अरे ऊपर लगा चल, अरे ऊपर चल, ऊपर और ऊपर चल, ऊपर चल ऊपर। तो क्या हो गया, वही लगा ले। देख रहे हो आप लोग व्यू चेक करो गाइस, वाओ नाइस। सो गाइस अब हम जा रहे हैं ऊपर और ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे हमने एंजॉय कर लिया ऑलरेडी, पट्टी टॉप कहते हैं इसको, पट्टी टॉप में एंजॉय कर लिया। अब हम ऊपर जाएंगे सारे, वो देख रहे हैं आपको लोकेशन, वहाँ जाएंगे हम, उस साइड में जाएंगे और एक जगह और जाएंगे शायद। यहाँ पर ना ट्रैफिक बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। हमारी गाड़ी खड़ी कम से कम भी 2 या 3 किलोमीटर नीचे। और ये देखो यहाँ स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं बहुत सारे ऑलरेडी, देख रहे हो जो व्यू आ रहा है यहाँ से, बहुत ही परफेक्ट है। अगर आप घूमने आ रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, नॉर्मली है। जैसे शिमला मनाली होता है ना वैसे ही सेम। अगर आप मनाली को डिसकंटिन्यू करना चाहते हो तो आप यहाँ आ सकते हो पट्टी टॉप वगैरह, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी यूनिक चीज़ें मिल जाएगी आपको। एक तो ये बहुत ऊपर है, वैष्णो देवी से ऊपर आता है बहुत ही ज़्यादा, देख रहे हो गाइस। और मेरी ऑलरेडी ना 110 GB तो भर चुकी है, और मात्र 15-10 GB खाली है। मार लो बदतमीज। अरे बन रही है, अभी बन रही है, अभी बन रही है। ओए मैं आ रहा हूं, पीछे कह रहा हट जा, अब लो पीछे कह रहा, जहां तेरी कड़ा मैं घुसे हट दूं से। ओए सिल्ली उठा रहा है, सिल्ली नहीं, ओए स्टार्ट, सिल्ली नहीं, ओए स्टार्ट, सिल्ली नहीं करेगा। ओए ओए एक बार नहीं मारा ये, बहुत एंजॉय कर लिया दोस्तों। और हमें कंटेंट मिल चुका है ऑलरेडी, यहाँ 2-3 बंदे गिर चुके हैं। चलो 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 ऊपर चलो, सामने चलना है, सामने चलो सामने से। क्या मार रहा है, पत्थर मार रहे हो? मेरा डाटा ऑलरेडी खत्म हो चुका है और ऊपर जा रहे हैं हम गाइस। वंस मोर इतना अच्छा गाना चल रहा था, चलना थोड़ी वेट, गाना गाना चल रहा है। सो गाइस यहाँ हमारा कवर हो चुका है, एक दो जगह और है जो हम जा रहे हैं, शायद एप्पल गार्डन जाएंगे या तो पहाड़ों पे ना जा नहीं पाएंगे क्योंकि ना वहाँ पे रश ज़्यादा है, और ऊंचा जाना चाहते हैं। वो देख रहे हो आपको दिख नहीं रहा होगा, और ऊंचा जा रहे हैं, और ऊंचा शायद जाए या ना जाए, लेकिन शायद एक जो दो जगह जाएंगे एप्पल गार्डन वगैरह, बाकी देखते हैं कहाँ जाएंगे। बाकी आप व्यू चेक करिए, बर्फ ही बर्फ है। ये हमारे बूट है, इन बूट का कोई फायदा नहीं है, जो पानी आ चुका है पहले से ऑलरेडी। अगर आप आ रहे हो ना तो बूट चेक करके आओ, बूट में पहले पानी डाल के चेक करो बाहर से कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये जैकेट तभी लेना जब स्नो फॉल हो, फालतू में मत लेना,
क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं, गर्मी वैसी लग रही है। हमने ऑलरेडी उतार दिया था, बस हमने फैशन के तौर पे पहन रखा है इसको और कुछ नहीं है। चेक करो भाई, पानी पानी कितना पानी, पैसे खाते पानी की, पानी की बोतल पैसे। मैनू दुनी हमारे फोन में ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। मैनू दुनी है हाँ। तेरे फोन में घोड़े वाली हाँ, कंटेंट तो मेरे पास है। सारी टाइमिंग गिरे मैं बंदे गिरे मुझे क्या रहा? ये कौन सा रूट है भाइयों? अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास, ये चेक करो भाई, ध्यान से उतरना यहाँ पे, पैर फिसला सीधा नीचे। आना कौन चाहता, हमें तो गाड़ी पे जाना है, पकड़ के चलना एक दूसरे को। हाँ पिघल ही रही है बस। क्या भाव है? भाव क्या है, क्या चीज चेक करोगे? ये पहले टेस्ट कराएंगे। अच्छा ये क्या चीज़? हमारे मालिक का, मालिक है ना हमारे लिए, सेठ जी हमारे। अच्छा चल लाइक कराना बड़ी ये क्या चीज है? ये दो आ गया आपका पेंट पता नहीं तैयार है ना, ये ना हां ये पहले छोड़ दो। आ जा क्या भाव है, कुछ क्या भाव है देसी चल रहा है ना पूरा बहुत। ये चॉकलेट बर्फी है, मी दे टू ने भाई, मैं गाड़ी में वाला छोड़ दूंगा, गाड़ी वालों को पलाउटेज। देसी चल रहा प्योर एकदम, यहां का फेमस है देसी घी में बनता है। ठीक है भाव है 440 रुपए केजी, 440 केजी। ये क्या चीज है भैया? ये चीज है कसम, ये चीज है कटोरी में दे दो, उन्हें बैठे अंदर 10 12 बंदे। ये चीज तो परफेक्ट लगी, बहुत यूनिक सी, मैं पूरा दोनों चीज देसी घी में लग रही थी, प्योर ऐसा लग रहा था। कुछ यूनिक है यहाँ का, ये भी हिमालय का। कोई नहीं आपका आधा तो थोड़े, अरे उनका तो ये बाहर आ जाए, बाहर को नहीं आते। मैं बोल के आता हूँ भाई साहब, एक बार बाहर आ जाओ, चेक करो भाई क्या मिठाई है, देसी घी में प्योर, अबे प्योर देसी घी में भाई, एक नंबर है। रुको, एक नंबर है भाई साहब, तो ये ट्राई करो याला, सोन पापड़ी ऐसा ट्राई करो, धीरे धीरे ये करो, ये पहले याला करो। अंकल क्या कर रहे हो, सोन पापड़ी अच्छी है, प्योर देसी सोन पापड़ी ट्राई करो सारे। मैं गरीब हो गए सारे, आराम से करूंगा। अबे तू तो अमीर भाई हमारा। और ये वाली, ये मिठाई और ये वाली मिठाई और ये वाली, ये तो बहुत परफेक्ट मिठाई है, एकदम यूनिक। ये तो दिल्ली में ही मिल जाए, दिल्ली वाला से टेस्ट अलग है। अच्छा अलग, इसको बोलते ढोला पापी, पता नहीं क्या बोलते हैं, टेस्ट आपको अलग लगेगा। हाँ थोड़ा देसी घी में बना नहीं सब कुछ, अरे वो कहा था पिलपिला था, बुरा बुरा कोने में पिलपिला वाला, ये है ये वाला, ये दोनों आइटम मस्त है पता है। अरे वो वाले भी ट्राई करो ना, ये नहीं ट्राई करा तुमने, कुछ नहीं गए, यही तो कह रहा हूँ, मेल्ट हो रहा है पूरे मुंह में पता है। एक 80 रुपए किलो, नहीं 800 रुपए किलो। अबे यार कौन से भैया, किस चीज से बनता है ये, एक चीज किससे बनता है? चीज होता है ना, चीज ट्राई करो एक बार, एक भैया ट्राई करना थोड़ा सा पीस छोटा सा। अच्छा पूरा ही लेना पड़ता है, मतलब बनाना पड़ता है इसको, कैसे? इसको आप रखेंगे तेल के ऊपर, तेल के ये पूरा फैल जाएगा। अच्छा हाँ समझ गया, वही सेम आइटम हो गया। अगर अगर आप पनीर टॉप आ रहे हैं तो यहाँ पे जरूर आना इस शॉप पे, अरोड़ा स्वीट्स बेस्ट उसकी है, यहाँ की 3 फेमस मिठाई, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा। बंदे गए बाकी, आज मैंने कर ली 5,000 की शॉपिंग और मिठाई। ये क्या खा रहे हो आप, क्या ये समझ नहीं आ रहा मुझे। अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे जरूर आना अरोड़ा स्वीट पे। अब हम घर जा रहे हैं पटनी टॉप से घर दिल्ली, सीधे जम्मू उतरेंगे, एक टॉफी में कुछ देना ठीक है। सो गाइस एक्चुअली हमारा ट्रिप हो गया कंप्लीट,
वैष्णो देवी एंड पटनी टॉप। अब हम जा रहे दिल्ली, हम कहाँ रहते हैं, चार नंबर रहते हैं पश्चिम बिहार। क्या यार बेइज्जती कर रहा है ये भाई, रहता है चार नंबर शाह अपार्टमेंट में हमारा घर। ये मंगोलपुरी का कचरे